तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहां पर पांव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना झुका सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा। अब आइए वज़ू खिताबत के मैदान में कदम रखते हैं और ऐसे मुकर्रर से आपकी मुलाकात कराई जाए जिसको ये मालूम है कि कहाँ नस्तर लगाना है और कहाँ मिली व तहजीबी जिंदगी का ऑपरेशन करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबनम सलमा की। मैं उनसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश व गुजार कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी वाज़ो खिताबत से हम सबके सामईन के कुलूम को मुनोर व मुजल्ला फरमाए। जब भी इंसान ने इंसान से नफरत की है, जब भी इंसान ने इंसान से नफरत की है, प्यार हारा है तबाही ने हुकूमत की है। सबनम सलमा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ashabi ajma'in amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabaarak wa ta'ala wal akhiratu khairun wa abqa. Muhtaram hazrat, मैं इस मदरसे में चंद दिन की आई हूँ। जो कुछ मैंने इस मदरसे से सीखा है मैं हजरात के सामने बयान करना चाहती हूँ। मोहतरम हजरात, अभी अभी मैंने खुतबा में कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की जिसका तर्जुमा ये है, आखिरत की जिंदगी बेहतर और बाकी रहने वाली है। ये दुनियावी जिंदगी चंद रोज की है, इसकी मिसाल उस मुसाफिर की है जो साया देखकर कुछ देर वहां ठहर कर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। आखिरत मंजिल है, वह सिर्फ आखिरत की जिंदगी का इनकार करते हैं, वो बेवकूफ है, उनकी मोटी मोटी बात समझ नहीं आती, उनकी अकल भी मोटी सोच की वजह से मोटी हो गई है। इसलिए मैं आप हजरात के सामने आखिरत की जिंदगी के बारे में बात करती हूँ। मोहतरम हजरात, ये दुनियाए रंगे बाबू में जब इंसान अपनी आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जैसे कुएं का मेंढक ये समझता है कि उसकी दुनिया सिर्फ कुआ है, इसी तरह इंसान बावर कर लेता है कि उसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है। अगर बिलफर्ज कभी मरना होगा तो फिर फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएंगी, जिसमें के आजा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उससे दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मोहतरम हजरात, ये तसव्वुर इंतहाई गलत है। इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने बताया कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो, यहाँ की तुम्हारी हर हरकत का और सुकून का हिसाब होगा। अगर इस दुनिया के रहने वाले ने नेक काम किए होंगे उसके मरने के बाद कामयाबी उनके कदम चूमेगी, और जिसने शिरकत की गुरूर अल्लाह के काम की नाफरमानी जमीन पर फसाद कद वगैरह गरी लोट मार चोरी जैसे अमाल किए होंगे कि एक दिन आएगा उसे हर हमें का हिसाब व हर बात का हिसाब देना होगा। नेमतों का सवाल होगा और इंसाफ होगा तो जिसने ईमान के साथ नेक अमाल किए होंगे उसको जन्नत मिलेगी, और जिसने शिर्क व कुफ्र किया होगा उसे हमेशा हमें जहन्नुम में रहना होगा और एक मर्तबा गुनाहगार मुसलमान को उसमें रहना होगा। मोहतरम हजरात, इसलिए हमें आखिरत की जिंदगी की